हाय, आई एम जीशान खान और मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ पर आप देख रहे हैं फ़ीफा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके आप मस्ती कर रहे हैं कुछ नहीं यार मेरा जैसा कि मैं कहता था पहले भी इंटरव्यूज़ में और अभी भी जब भी मेरे यूट्यूब चैनल की बात होती है कि एक सिंपल सी चीज़ है मेरा मेन मुद्दा लाइफ में ये है कि यार मज़े करो लाइफ बहुत छोटी है जितना इन्जॉय करोगे उतनी ज़्यादा मेमरीज आप बना पाओगे तो बस यही फंडा है और आई जस्ट होप कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू आ, जनता एंटरटेन हो रही है लोगों को मज़ा आ रहा है क्योंकि आजकल कोविड ये वो जितना भी बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है तो थोड़ा अगर स्ट्रेस छूट रहा है लोगों का तो आई थिंक आई एम डूइंग माई पार्ट एज एन एंटरटेनर तो बस वही करने की कोशिश यहाँ पे भी थी और वही चल रहा था तो so, आप प्लीज़ ब्लाग देखिएगा जी स्कॉट ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर <laughs> बहुत अच्छा लगा बहुत ये जितने भी थे बच्चे इन सबके साथ बहुत मुझे मज़ा आया सबको मौका दिया मैंने जीतने का हम लोगों ने कैश प्राइज़ रखा था अगर कोई पकड़ा नहीं जाता तो तो वो आप देखोगे मेरे व्लॉग में जब मैं यूट्यूब पर रिलीज़ करूँगा तो प्लीज़ देखना और हाँ बहुत मज़ा आया क्योंकि हंसी खुशी का माहौल था मतलब जितनी भी परेशानियाँ थी मैं जितने भी लोग मेरे साथ खेल रहे थे पार्टिसिपेट कर रहे थे हम सब वो परेशानियों को पीछे छोड़ आए थे और उनको पीछे छोड़ के बस यहाँ पर जितने भी चार मिनट पाँच मिनट दस मिनट हमने जितने भी टाइम मजा किया दैट वाज जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट प्योर लाफ्टर प्योर हैप्पीनेस सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव टू पीपल आउट देयर और यही मेरी कोशिश रहेगी तो बस आई थिंक uh, जैसे सब हंस रहे थे जैसे सब खेल रहे थे मैं हंस रहा था खेल रहा था आई थिंक मी एज एन एंटरटेनर मेरा दिल सेटिसफाइड uh, था एंड आई होप कि लोग जो देख रहे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी दिल सेटिसफाइड हुआ होगा अगर बात तो करें बस तो वो वो मतलब अभी, अभी, अब अब लोगों ने इतना देख लिया मुझे ऐसा लग रहा है वो सैचुरेट हो गया तो अभी अभी थोड़े टाइम मैं शर्ट पहन के ही रखूंगा <laughs> <laughs> उसके बाद जब अगली बार आप मिलोगे ना तब मैं आपको शर्ट उतार के तब तक होपफुली एट छे के जगह पे आठ पैक हो जाएगा सरप्राइज आएगा क्यों नहीं जाए वो क्या कुछ फ्लाजा करना चाहे यार जैसे मैं व्लॉग्स में मजे करता हूँ, प्योर एंटरटेनमेंट होता है हैप्पीनेस होता है फिटनेस का राज उसका ऑपोजिट है बहुत दर्द है बहुत दुख है <laughs> बहुत परेशानी है तो नहीं यार इट इज़ जस्ट हार्ड वर्क आपका डाइट ये वो और नहीं होता है एज अ नॉर्मल पर्सन लाइक मुझे भी दिल होता है कि यार मैं पिज्ज़ा खा लूँ बर्गर खा लूँ बटर चिकन खा लूँ ये सब कर लूँ बट अगर आपको एक सर्टन टाइप की बॉडी चाहिए तो आपको वो सब पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है जिम में दो तीन घंटा तो आई थिंक वो बहुत ही दर्द और बहुत ही परेशानी वाली बात है कुछ खुशी की बात नहीं हाँ खाली दिखाने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ अच्छी बॉडी बन गई है वाह 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 मज़ा आ गया बट

गाबा गाबा तो ऑब्वियसली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हम लोग का तो एक हेड ऑन टास्क भी हुआ था जिसमें मैं बॉसमैन बन गया था तो आई थिंक दैट बी रेट्रीब्यूशन मतलब यू नो गाबा और मेरे बीच में एक और बैटल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा और दिव्या दिव्या के साथ कभी कंपटीशन हो नहीं पाया बिकॉज शी वॉज माई पार्टनर और घर में हम लोग दोनों ही स्ट्रांग स्ट्रॉगेस्ट कनेक्शन थे तो शी वॉज द स्ट्रॉगेस्ट फीमेल इन द हाउस आज द स्ट्रॉगेस्ट मेल इन द हाउस

कंपटीशन तो नहीं दिख रहा मुझे उस घर में कंपटीशन तो यहाँ है वो ठीक है आई होप आई विश एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट आई नो दैट हाउस कैन बी थोड़ा सा पागल कर देता है लोगों को सो आई विश ईच एंड एवरी वन इन दैट हाउस ऑल द वेरी बेस्ट आई होप सब अपना काम मेंटेन कर पाए जैसे uh, जिस हद तक मैं कर पाया था uh, और हाँ चीज़ें होगी क्योंकि मैंने कल बहुत लोगों को बोलते हुए सुना कि अरे मेरे को अगर किसी ने टच कर दिया तो मैं उसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा ब्रो

बीच में से जाना मेरी आदत नहीं है क्योंकि आई नो कि जैसे मैं ओ में भी आया था आई प्रूव माई सेल्फ एज अ कंटेस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग हर टास्क एज किया हर चीज़ मैंने बराबर से किया तो आई डोंट थिंक के आई डिजर्व टू जॉइन इन बिटवीन क्योंकि जो बीच से जॉइन करते हैं ना हर घर वाले का एक ही मुद्दा होता है कि हम तो पहले से कर रहे थे ये बीच से आया है दिस इज़ अनफेयर फॉर आस तो ये सब फालतूगिरी में नहीं पढ़ रहा है आई नो दैट आई हैम द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट

और निशान तो निशान तो हमारी <laughs> हमारा मतलब फेवरेट है चुगली करता है इधर की उधर करता है तो उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है तो आई थिंक ही आल्सो डज हिज पार्ट वेरी वेल सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट बट मुझे ये कहना कि कौन आगे तक जाएगा आई थिंक बहुत सारे लोग हैं तो कुछ भी हो सकता है मेरे सीजन में भी जीतना तो मुझे चाहिए था पर कुछ भी हो सकता है जीता तो नहीं तो या ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन या दिस गेम इज़ वियर्ड इट इज़ मेंटल

Uh, अभी दैट्स वॉट बातें हो रही है बट एट दिस पॉइंट इन माई करियर आई जस्ट वॉन्ट मेक गुड मूव्स आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी मैं काम करूँ उससे मैं uh, लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ uh, क्योंकि मेरा मुद्दा ही यही है कि आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू एंटरटेन पीपल दैट्स इट तो uh, जैसा कि आप देख रहे थे कड़क धूप में भी मैं आया हूँ आई एम शूटिंग माई ब्लॉग एंड एवरी थिंग तो इट इज़ प्योरली बिकॉज माई फैंस हो मिसिंग मी मुझे एक ब्रेक चाहिए था एंड होपफफुली uh, ये जो आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ वो थोड़े टाइम में आएगा आज या कल में uh, एक uh, दूसरा ब्लॉग आने वाला है uh, जो मैंने पहले शूट किया था उसकी एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है सो दैट इज़ गम आउट टूडे और टमोरो तो अब वो देखना और uh, उसके कुछ ही दिनों बाद ये भी ब्लॉग आ जाएगा बाहर तो आई प्लान ऑन एंटरटेनिंग पीपल थ्रू वट एवर मीडियम आई कैन बी एट यूट्यूब बी एट इंस्टाग्राम वेब सीरीज़ टी वी शोज़ कुछ भी हो आई फीलर नॉट जस्ट एन एक्टर तो मैं हर एक वो चीज करूंगा जिससे लोग Uh, guys, uh, I know you guys missed me and I was missing your love too. So I'm back. Uh, back with the vlogs. I've vlogged Z-Score vlogs. So I'm back and uh, ha, aaj kal ek vlog, aaj jo vlog shoot karata was a very good And iske baad vlogs. Bas aate so please go ahead and uh, subscribe, like, comment to Z-Score vlogs. And yeah, please uh, watch me over there and I hope I entertain you guys and I love each and every one of you. <laughs> Thank you so much, you guys.